Hello friends, welcome to Education Wave, Success Made Easy. Principle of Inheritance and Variation Part 14. Topics to be covered: Chromosomal Disorder, जिसमें हम पढ़ेंगे Down Syndrome, Klinefelter Syndrome and Turner Syndrome. उसके बाद होगा Question Time. So first is, what is Chromosomal Disorder? Disorders can be created by imbalance in chromosome number and chromosomal rearrangement, and these are called as chromosomal disorders. So, जैसे कि name से दिख रहा है साफ कि chromosomal disorder, तो कोई ऐसी disease जो कि chromosomes में कुछ imbalance होने की वजह से हो, तो उसे क्या बोलते हैं? Chromosomal disorders, ठीक है? So, disorders can also be created by imbalance, जब chromosome numbers में imbalance हो जाता है या फिर उनकी arrangement में कुछ problems हो जाती हैं, तो उन वो diseases होती हैं, ठीक है, उन diseases को बोलते हैं chromosomal disorders. So, इसके examples हैं Down syndrome, Klinefelter syndrome and Turner syndrome. So, पहले पढ़ते हैं Down syndrome. So, इसमें क्या होता है? It was first described by 1866 by Langdon Down. ठीक है, इसको सबसे पहले लैंगडन डाउन ने 1866 में डिस्क्राइब किया था कि हाँ ये डिजीज होती है, इसका नाम ये है. ठीक है, एंड दिस डिसऑर्डर डेवलप्स ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. सो ट्राइजोमी का यहाँ पे क्या मतलब है? ट्राइजोमी मींस थ्री. सो जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या हमने पढ़ा है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, सो इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21st पेयर होता है ना, उसमें जो भी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या शो होती है? ट्राइजोमी. ट्राइजोमी का मतलब अगर वहाँ पे क्रोमोसोम्स एक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे तो वहाँ पे एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है. ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइजोमी कंडीशन. तो डाउन सिंड्रोम में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? ट्राइजोमिक कंडीशन. ठीक है, इसीलिए इसे हम डाउन सिंड्रोम को ट्राइजोमी 21 भी बोलते हैं. ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि जब 21st क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड होने की वजह से होती है. और टिपिकली क्या होता है कि इसमें फिजिकल ग्रोथ डिले हो जाती है और जो फेशियल फीचर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, एंड माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ऑल्सो. ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 18 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर है, ये 19, ये 20 एंड 21st, ये है हमारा नॉर्मल. ठीक है, जब हम देखेंगे अगर हमारे क्रोमोसोम्स जब हम देखते हैं तो क्रोमोसोम्स में क्या होता है, ये 18 पेयर, ये 19 पेयर, ये 20, ये 21st. लेकिन एबनॉर्मल जब उस पर्सन को क्या होगा, डाउन सिंड्रोम, तो 18 नॉर्मल है, 19 पेयर भी नॉर्मल है, 20 भी नॉर्मल है, बट 21st देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेयर क्रोमोसोम का ऐड है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाते हैं, उस पर्सन को डाउन सिंड्रोम हो जाता है. नाउ कैसे पता चलेगा, उसके अंदर क्या फीचर्स होंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि उसको, उस पर्सन को डाउन सिंड्रोम है? सो इंडिविजुअल विल शॉर्ट, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होगा, एंड स्मॉल राउंड हेड, उसका जो हेड होगा वो स्मॉल होगा और राउंड होगा. फॉर वो टंग होगी बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई टंग होगी उसकी, पार्शली ओपन माउथ होगा उसका, एंड ब्रॉड पाल मतलब जो उनके हाथ होते हैं जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, बहुत छोटे और बहुत थिक होते हैं, एंड बिग एंड रिंकल टंग होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि फरोड टंग होती है, बहुत बड़ी और रिंकल टंग होगी उनकी, एंड फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, और वो फिजिकली और मेंटली वो रिटार्डेड होते हैं, मतलब उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं होती है उनमें. सो ये था डाउन सिंड्रोम. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्राइजोमी 21 इज ऑल्सो नोन एज ट्राइजोमी 21. ओके, तो आप अगर डाउन सिंड्रोम को डिफाइन करने के लिए आए या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आए तो आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइजोमी 21. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो 21st क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उस पैर में ऐड हो जाता है और ट्राइजोमिक कंडीशन हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स. अब देखिए,
वहाँ पे क्या था कि जो 21st पेयर था, लाइक जो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसमें 20, 21, 22 और जो लास्ट का जो 23 होता है उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और बाकी क्या होते हैं ऑटोसोम्स। तो उसमें क्या था, जो ऑटोसोम्स जितने भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स थे उनमें हो रही थी, जितने जो अरेंजमेंट्स थी या फिर क्रोमोसोम्स में एडिंग या डिलीटिंग ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 22 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो लास्ट में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक एडिशनल कॉपी ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से दैट रिजल्ट्स इनटू 44 मींस जो ये 22 पेयर्स थे जिसे हम कह सकते हैं 44 क्रोमोसोम, प्लस में जो ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है उसमें भी लाइक हम कह सकते हैं कि 45 प्लस 46 ये दो क्रोमोसोम्स उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, एक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से दैट रिजल्ट्स इनटू 44 प्लस एक्स एक्स वाई टाइप क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो ये डिजीज है, ये किसमें देखी जाती है, मेल्स में देखी जाती है, अ जेनेटिक कंडीशन इन विच अ मेल इज बॉर्न विद अ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स। सो ये किसमें देखी जाती है, मेल्स में, और उन मेल्स में क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। ओके, सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल्स में देखी जाती है, जिसके अंदर उनके सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और वाई में एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सच अ पर्सन आर स्टराइल मेल्स विद ओवर ऑल, और ये स्टराइल होते हैं लाइक इनकी आगे आने वाली जनरेशन्स नहीं हो सकती, ठीक है। सो सच अ पर्सन आर स्टराइल मेल्स विद ओवर ऑल एंड हैव मैस्कुलिन डेवलपमेंट। ओके, इसके अंदर जो मेल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, सम फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फेमाइन पिस्ड वॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। सो यहाँ पे आप हमें पता है कि जब एक्स एक्स होता है तो वो क्या होती है, गर्ल, एंड एक्स वाई होता है तो वो क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्स एक्स भी है और एक्स वाई भी है, तो यहाँ पे उस पर्सन के अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो जाते हैं, लाइक वो होगा मेल बट उसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड हो जाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रीज, और उसकी जो वॉइस होगी वो फेमाइन होगी, ठीक है। सो ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स उस मेल के अंदर ऐड हो जाते हैं और वो स्टराइल होता है। सो ये सारे फीचर्स थे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के, ओके। एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज 47, हम उसे कह सकते हैं 47 बिकॉज 46 क्रोमोसोम्स तो सारे ठीक थे, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हुआ है, जिसकी वजह से उसे बोला जाता है 47, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज 47, हम कह सकते हैं या तो इसे 47 एक्स 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 सॉरी 47 एक्स एक्स वाई भी बोला जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एक्स एक्स वाई कंडीशन, इसको बोला जाता है एक्स एक्स वाई कंडीशन। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज एक्स एक्स वाई कंडीशन। सो दिस इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एंड नाउ नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम, क्या होता है, दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू मोनोजोमी। ओके, वहाँ पे जब डाउन सिंड्रोम हमने पढ़ा तो वहाँ पे ट्राइजोमिक कंडीशन थी, यहाँ पे क्या है, मोनोजोमिक कंडीशन। सो इसमें क्या होता है, द डिसऑर्डर इज ड्यू टू मोनोजोमी। अब इसमें जो क्रोमोसोम होता है उसमें से एक क्रोमोसोम माइनस हो जाता है, लाइक पेयर्स में होते हैं तो जो एक क्रोमोसोम होगा वो क्या हो जाता है, माइनस। इट इज़ कॉज्ड इन फीमेल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम्स। तो देखिए क्या हुआ, जो फीमेल्स होती हैं ये भी सेक्स क्रोमोसोम्स में है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये गर्ल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे 2n हम कह सकते हैं, ठीक है, पेयर्स में थे, लेकिन उनमें से एक क्रोमोसोम माइनस हो गया तो कितना बचा, सिर्फ एक क्रोमोसोम बचा, ठीक है। सो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, एंड इसे हम कह सकते हैं कि
ये इस कंडीशन को हम कह सकते हैं एक्स ओ कंडीशन. यहाँ पे ओ ले लेते हैं बस इसके साथ में, क्योंकि इसका जो जो दूसरा क्रोमोसोम है वो एब्सेंस है, डिलीट हो चुका है, इसीलिए एक्स ओ मान लेते हैं एंड इसको बोलते हैं एक्स ओ कंडीशन. सो इट इज़ कॉज्ड इन फीमेल्स. जो डाउन सिंड्रोम था उसमें क्रोमोसोम्स में ऑटोसोम्स में क्या हो जाता है, ऑटोसोम्स में एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है 21st क्रोमोसोम्स में, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम्स में एडिशन और डिलीशन होता है. सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेंस में होता है जिसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है एक्स क्रोमोसोम, एंड टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है. ये होता है फीमेल्स में. नाउ द फीमेल विल द सिंड्रोम हैज एक्स ओ सेक्स क्रोमोसोम, तो एक डिलीट होने की वजह से उसका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसे बोलते हैं एक्स ओ, इसीलिए इस कंडीशन को एक्स ओ कंडीशन भी बोला जाता है. एंड इट्स अ क्रोमोसोमल कंडीशन दैट अफेक्ट्स डेवलपमेंट इन फीमेल्स. से क्या होता है कि सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं, द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल आर स्टराइल, इसमें भी स्टराइल होगी फीमेल, and leaks female secondary sexual characteristics just because X X chromosome की वजह से ही जो girl होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक X chromosome यहाँ पर delete है, absence है, जिसकी वजह से secondary sexual characteristics भी उस female में नहीं होते हैं, like poor development of breast and जो female होगी वो sterile होती है. तो ये था Turner syndrome. Okay, now नाउ क्वेश्चन टाइम. अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया इज बॉर्न टू अ नॉर्मल कपल. सो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया इज बॉर्न टू अ नॉर्मल कपल. एक नॉर्मल कपल है लेकिन उनका जो चाइल्ड जो अभी अभी हुआ है वो किससे सफ़र कर रहा है, थैलेसीमिया से. नाउ बट द मदर इज़ बीइंग ब्लेम बाय द फैमिली फॉर डिलीवरिंग अ सिक बेबी. अब जो फैमिली है वो मदर को ब्लेम करी है कि ये जो बेबी जिसको थैलेसीमिया हुआ है वो उसकी मदर की वजह से हुआ है. नाउ आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ थैलेसीमिया. पहले आप ये बताइए कि थैलेसीमिया होता क्या है, एंड हाउ वुड यू कंसोल द फैमिली नॉट टू ब्लेम द मदर फॉर डिलीवरिंग अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़. सो एक्सप्लेन करना है कि यू नो कि जो मदर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप उसको कैसे कंसोल करोगे, आप उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन दोगे कि उन्हें वो समझ आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैलेसीमिया होता क्या है, ठीक है. सो हमने पढ़ा था दैट थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. सो एक ऑटोसोमल रिंग रिसेसिव डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, जो कि इधर म्यूटेशन से होती है या फिर कुछ डिलीशन हो जाता है उसकी वजह से होती है. तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि थैलेसीमिया क्यों होता है. सो क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लोबिन चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन की वो इसमें सिंथेसाइज नहीं हो पाती हैं. इसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन चेंज जो होती हैं हमारी बॉडी में वो नहीं सिंथेसाइज हो पाती हैं, और जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में कम्प्लीटली अच्छी तरीके से नहीं बन पाता, ठीक है. सो ये इसे हम कह सकते हैं कि इसे हम ब्लड डिजीज़ भी बोलते थे, ब्लड डिसऑर्डर भी कहते थे. सो हमने ये पढ़ा था थैलेसीमिया. नाउ व्हाट इज़ थैलेसीमिया, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया दैट इट इज़ एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ एंड इट अकर्स ड्यू टू ईदर म्यूटेशन या फिर डिलीशन विच रिजल्ट्स इन यू नो रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन. नाउ हाउ वुड यू कंसोल द फैमिली नॉट टू ब्लेम द मदर फॉर डिलीवरिंग अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द डिजीज. सो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो थैलेसीमिया है, अगर किसी भी ऑफस्प्रिंग को मान लीजिए यहाँ पे थैलेसीमिया इस ऑफस्प्रिंग को हुआ है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो थैलेसीमिया ये जो बेबी है जो अफेक्टेड हुआ है थैलेसीमिया से वो तभी होता है व्हेन इट इज़ होमोजाइगस फॉर द जीन. फॉर एग्जांपल अगर ये ऑफस्प्रिंग एक्स एक्स मान लीजिए ये गर्ल हुई है, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, लाइक
अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं कि XT, ठीक है, हमने मान लिया कि इस बेबी को क्या है, थैलेसीमिया, तभी पॉसिबल है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में, हमने बस माना है, जस्ट लेट किया है XT, ठीक है. सो ये कब पॉसिबल है, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, और ये होमोजाइगस कंडीशन में तभी होगा क्योंकि एक क्रोमोसोम कहाँ से आता है, मदर की साइड से, एक आता है फादर. सो फादर भी अफेक्टेड हो, या फिर कह सकते हैं कैरियर हो, और मदर भी कैरियर हो. सो ये तभी पॉसिबल है, द चाइल्ड विल बी होमोजाइगस फॉर द जीन ओनली व्हेन द बोथ द मदर, जो मदर है और जो फादर, वो दोनों ही दोनों क्या थे, कैरियर हों इस जीन के. तो यहाँ पे अभी बोला था कि नॉर्मल कपल्स हैं, नॉर्मल कपल तभी होंगे जब वो कैरियर होंगे, क्योंकि जब कैरियर होते हैं तो उन्हें नॉर्मल ही कहा जाता है. सो यहाँ पे जो मदर थी वो भी कैरियर थी, और जो फादर था वो भी कैरियर था, ठीक है. इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग था उसको थैलेसीमिया हुआ. तो ये ना ही मदर की गलती है और ना ही फादर की गलती है, दोनों का 50% इसमें था, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग था उसको थैलेसीमिया था. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नॉर्मल विजन वीमेन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरिज अ नॉर्मल विजन मैन, वट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन्स और या फिर डॉटर्स टू बी अ कलर ब्लाइंड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री चार्ट. नाउ क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अ नॉर्मल विजन मैन, वुमेन, जो वुमेन है वो नॉर्मल विजन है, अगर हम कह सकते हैं कि जो वुमेन है वो नॉर्मल विजन है, लाइक कलर ब्लाइंड को हम सी से डिनोट करते हैं, तो वो नॉर्मल है, तो हम एक्स एक्स कह सकते हैं. हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, लेकिन उसका जो फादर था वो कलर ब्लाइंड था, ठीक है. वो किससे मैरी कर रही है, मैरी अ नॉर्मल विजन मैन, जो मैन है वो नॉर्मल है, लाइक हम उसको एक्स वाई कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हुज फादर इज अ कलर ब्लाइंड, तो पक्का जो वुमेन है वो भी कलर ब्लाइंडनेस कैरी कर रही होगी, ठीक है. क्योंकि अगर फादर के पास, क्योंकि हमें पता है जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो किसके एक्स लिंग रिसेसिव है, ट्रेट है, ठीक है. तो जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो इसको कैरी करते हैं, तो फादर में क्या होगा, फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो एक्स ई वाई, और उसने ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो उसके गर्ल चाइल्ड में ज़रूर, ये जो एक्स क्रोमोसोम है ज़रूर ट्रांसफ़र हुआ होगा, और इसीलिए ये जो वुमेन होगी ये कैरियर है, ठीक है. तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आपको समझना पड़ेगा. तो और नॉर्मल विजन वुमेन तो बोला, तो आप उसको कह सकते थे कि एक्स एक्स, लेकिन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड का क्या मतलब है, कि जो वो अगर उसके फादर के मे बी आगे ऑफस्प्रिंग हुए होंगे तो उसने पक्का वो डिसीज़ जो होगी वो गर्ल्स में ट्रांसफ़र की होगी एज अ कैरियर, ठीक है. तो जो वुमेन है वो भी गर्ल है, एंड उसके अंदर भी वो जो डिजीज़ है वो एज अ कैरियर उसके अंदर भी है. नाउ व्हाट विड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन्स एंड डॉटर, तो अब उस गर्ल या फिर वुमेन ने उस मैन से शादी की है जिसके पास जो कि नॉर्मल विजन है. तो अब हम क्रॉस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या थी, कैरियर, क्योंकि इसका इसके जो फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे, एंड जो मैन है वो क्या है, नॉर्मल विजन मैन. अब इनमें जब क्रॉस होगी तो देखिए एक्स एक्स मतलब नॉर्मल गर्ल, एक्स वाई मतलब नॉर्मल बॉय, एंड यहाँ एक्स सी एक्स मतलब नॉर्मल भी कह सकते हैं एंड कैरियर भी कह सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज सी वाई मतलब कलर ब्लाइंड बॉय. ओके, सो ये थी प्रोबेबिलिटी, ये थे चांसेस दैट ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल विजन. देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सन्स, तो सन्स की क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, कि जो 50% सन्स जो हैं वो कलर ब्लाइंड है. देखिए ये भी कलर ब्लाइंड है, ये एक नॉर्मल है, तो 50% नॉर्मल एंड 50% अफेक्टेड, और जो जो गर्ल्स हैं उसमें क्या है, वो सारी की सारी नॉर्मल है, ठीक है. तो जो डॉटर्स हैं आर नॉर्मल विजन, बट द 50% ऑफ सन्स आर लाइकली टू बी कलर ब्लाइंड. तो ये था हमारा आंसर इसका, ठीक है. सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो,
and follow us on Facebook and Instagram. Thank you so much.